हेलो फ्रेंड्स, शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। पता नहीं आपको मेरा वीडियो कब मिले, इसलिए सारी विशेष मैंने आपको एक साथ दे दी। मैं मेघा कंसल, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज आपको जो बताने वाली हूँ वो है मंदिर से रिलेटेड कुछ बहुत जरूरी बातें। फ्रेंड्स, मंदिर तो हम सभी के घरों में होता है, पर हम ना जानते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ वास्तु टिप्स आपको मंदिर से रिलेटेड देने वाली हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण हमारा देवी देवताओं के लिए होता है, तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो भी मंदिर हो वो ईशान कोण में होना चाहिए। दूसरी बात, ईशान कोण के जब हमारा मंदिर होगा तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम पूजा करें तो पूरब की तरफ हमारा मुख हो जब भी हम पूजा करें। और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर मंदिर में दो शंख हो तो एक शंख को बिल्कुल हटा दीजिए, सिर्फ एक ही शंख आपको रखना है। मंदिर में मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के घरों में एक ही मंदिर के अंदर गणेश जी की तीन तीन मूर्तियां हैं, शिव जी की तीन तीन मूर्तियां हैं, मतलब एक से ज्यादा मूर्तियां हैं या फिर फोटो हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही एक से ज्यादा जितनी भी मूर्तियां हैं उन्हें आप हटा दीजिए। मंदिर के अंदर एक भगवान की सिर्फ एक ही फोटो या प्रतिमा आपको रखनी है, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपके मंदिर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का जो साइज है वो आपके अंगूठे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा शिवलिंग होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जो हमारा मंदिर होता है उसके ऊपर, जो मंदिर के ऊपर एक गुंबद भी होनी चाहिए ताकि वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे। साथ ही मंदिर के ऊपर आपको किसी भी तरीके का कोई भी सामान नहीं रखना है, क्या आपने कुछ भी डिब्बा डिब्बी रख दिए, आपको ऐसा कुछ भी सामान नहीं रखना है। मंदिर के लिए जो भी आपको सामान रखना है उसके लिए आप अलग से एक बॉक्स बनाइए और उसमें सामान रखिए। जो आप मंदिर में पोंछा लगाते हैं मंदिर के बाहर या मंदिर के आसपास, उसका कपड़ा आपके घर के पोंछे से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो आप मंदिर की सफाई करते हैं तो उसका जो डस्टिंग का कपड़ा होता है, जो साफ करने का कपड़ा होता है, वो भी एकदम अलग होना चाहिए। वो बिल्कुल भी आपके घर के डस्टिंग के कपड़े और मंदिर का डस्टिंग का कपड़ा एक नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग इसी एक ही कपड़े को इस्तेमाल करते हैं। साथ में अगर आप आसन का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखिए, अगर आसन आपका लाल रंग का होगा और थोड़ा मोटा होगा, गर्म होगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी हम बैठते हैं आसन पर, तो एक तो अगर वो लाल रंग का होगा हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेगा, हील करेगा उसे। साथ में जब भी हम पूजा करते हैं तो हम खुद को धरती की जो एनर्जी होती है उसे कट ऑफ करके तब हम पूजा करते हैं। साथ में अगर घर में चार मेंबर हैं तो कोशिश करिए चारों के आसन अलग अलग हों, और जब भी आप पूजा करके उठें तो आसन की प्रॉपर तय बनाकर उसे उसके स्थान पर रखकर और तीन बार ऐसे धरती को चूमें, ये प्रक्रिया करनी बहुत ही जरूरी होती है, और आसन को अपना स्थान देना भी बहुत जरूरी होता है। ये जो भी मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ इनका आपको अवश्य ध्यान रखना है। मंदिर के अंदर जूते, चप्पल, कोई भी ऐसी चीज ना लेकर जाएं जिससे मंदिर के आसपास के वातावरण में नेगेटिविटी फैले। मंदिर के अंदर आप धूप दीपक जलाएं, जितनी भी खुशबू की चीजें होती हैं आप उनको जलाएं। इसका जलाने का यही तात्पर्य है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। साथ ही आपको क्या करना है, जब भी आप ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, चाहे आप 5 मिनट के लिए करें या 10 मिनट के लिए करें, तो जिस टाइम आप पूजा अर्चना कर रहे हैं उस टाइम आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे तो यहाँ हैं पूजा घर में पर आपका ध्यान आपके किचन में है, दूध तो नहीं निकल रहा, मेड क्या कर रही है, सब्जी कौन सी बनानी है, नहीं। आप जितनी देर भी पूजा अर्चना करेंगे उस समय आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के अंदर होना चाहिए। जब भी आप मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी की
मूर्ति रखते हैं, तो ध्यान रखिए कि लक्ष्मी जी को हमेशा विष्णु जी के साथ रखना चाहिए, जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की साथ में प्रतिमा होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने पति के बिना कैसे निवास करेंगे, आप खुद ही सोचिए। तो फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने आपको छोटी छोटी मंदिर से रिलेटेड बातें बताई, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। और आज ही अगर आपके मंदिर में कुछ भी गड़बड़ है इस तरीके की, तो उसे आप आज ही ठीक करिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। धन्यवाद।